आ जाओ। क्या बात है यार, क्या बात। गाड़ी फंस चुकी थी हमारी, आपको दिखाने के लिए मैं उतर गया यहाँ पे, देख सकते हैं। आ जाओ। हेलो गाइस, क्या हालचाल, वेलकम टू न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल दुबई वाला शेख। तो गाइस, वाओ, लड़कियां चलाती हैं आजकल बाइकें यार, वाओ। हमारा पुछिंडी जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो गाइस, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। और आज संडे है तो घर पे सब एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो है हम निकल चुके हैं ऑफ रोड करने के लिए एक नया कंटेंट, एक नई वीडियो के साथ। बट अकेले नहीं जा रहे हैं इस बार, हमारे साथ है मसरूर मलिक। इनको तो आप जानते हैं बखूबी। हाय बोलिए अरी साहब। हाय। हेलो। हाय। तो हमारे साथ ये दो गाड़ियां और हैं, आप देख सकते हैं। क्या हाल है, कैसे हो? क्या हाल है जी, क्या हाल है? तो ये स्वामी सर चश्मा लगा के बड़े बेकार लग रहे हैं। GoPro पकड़ो। और आपने इस GoPro से जो है शूट करना है बाहर का, पता है आपको? चलाना आएगा अभी? पहले YouTube पे चेक करो कि कैसे चलाते हैं, सीखते हैं, फिर बना लेगा ना सीन। अभी के लिए फिलहाल ये है, टाइम हो रहे हैं दिन के 2 और जा रहे हैं हम बजालता। मैं तो आज फर्स्ट टाइम ऑफ रोड का ट्रैक कर रहा हूँ। और आगे देखो आप, GoPro पकड़ा दिया है हमने इन लोगों को, इनका काम यही है सिर्फ। तो फिलहाल के लिए पहुंच चुके हैं हम बर्मिनी पटनी टॉप, छोटा पटनी टॉप है ये, देखो व्यू चेक करो यार, लवली, नेक्स्ट लेवल व्यू है। और आपको उतरने में प्रॉब्लम है कोई नीचे? पैसा ही पैसा हो गया। ये रोड देख रहे हो आप यार, किसी की भी व्लॉगर या कोई भी नॉर्मल जो नॉन व्लॉगर भी, किसी की भी गाड़ी अगर खुशती है स्ट्रेच पे ऑफ रोड का जो है ना यार, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। क्योंकि अभी तो हम मेन ट्रैक पे पहुंचे नहीं है, लेकिन इंजॉय बहुत हो रहा है यार। आज फील आ रहा है यार कि यस, थार इज समथिंग जो आपको लेनी चाहिए यार। क्योंकि थार हम ले लेते हैं यार, मतलब शौक शौक में थार ले लेते हैं, उसके बाद अपना काम अपने थार का कुछ किया ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता है फिर थार लेने का फन। मसरूर का पहला व्लॉग है और चैलेंज सुन लो भाई का, बोल रहा है कि इस रोड पे गाड़ी चढ़ानी है। तो कैसे क्या लगता है आपको गाइस, चढ़ेगी? मुझे तो लगता है हाइट बहुत है, लेकिन ये रोड भी तो निकला है, कैसे निकला है आखिरकार रोड, कुछ पता नहीं। ये देखो मैं क्या बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, चल चल चलो। करते हो आप ये नहीं करते हो? एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड है, बाकियों से पूछ के आता हूं मैं। तो क्या बात है, फेल फेल। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? भाई 4x4 तो यूज करो। गाइस व्यू चेक करो, आ जाओ है, मोड़ने की नहीं है, यहां तक चढ़ा लो फिर रिवर्स जा लेना, कोई बात नहीं, दलेरी वाला काम है, आ जा लड़के, आ जाओ। क्या बात है यार। अभी कोई सीन हो गया, शहर रुका दिया इन्हें। हाँ जी, क्या हुआ? तो उधर से आगे, रोड में आगे, तो उधर से ऊपर क्यों नहीं बढ़ा था? कहाँ से ऊपर? वहाँ से जहाँ से नीचे के लिए, इधर के लिए हुआ, वहाँ से राइट साइड एक ट्रैक उधर रोड में आगे, वो ऊपर के लिए। ये इसने बोला यहाँ पे है पानी, मैं आगे जाता हूँ ना उधर, जैसे सारे लेके आना, पानी तो बोला आगे है। तो गाइज फाइनली वी रीच दिस रोड, हम पहुंच चुके हैं इस पक्की रोड पे यार, बहुत ज्यादा वहां से टाइम लग गया। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर किसी को बजालता आना हो बठिंडी वगैरह से, तो ये दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। लेकिन ये है कि थोड़ा ऑफ रोड ट्रैक है, तो इसलिए लोग जो है प्रेफर नहीं करते, लेकिन मजा यार बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन अभी भी ये ऑफ ट्रैक खत्म नहीं हुआ है,
अभी हम जाने वाले हैं पानी वाली जगह पे जहाँ पे मसरूर ने हमें बताया। मसरूर कहाँ जाने वाले हैं प्लीज बताइए थोड़ा सा। सर हम जाने वाले हैं जो मानसर रोड पे एक ट्रैक आता है नीचे, जो आपने देखा होगा, जो जम्मू के लोग होंगे उन्होंने देखा होगा, जब आप मानसर की रोड पे चढ़ते हो तो वहाँ के नीचे एक वहाँ पे एक रेतीला टाइप मतलब है ना, वहाँ पे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। शिट ओ यार ये क्या हो गया वहाँ पे ना एक नदी टाइप की है, तो वहाँ पे अच्छा ऑफ रोड हो जाएगा, तो मिट्टी में हमने काफी कर लिया, तो आप और सामी की गाड़ी भी वॉश हो जाएगी फ्री में। हाँ चलो बच जाएंगे पैसे उसके, वैसे भी उसने किया तो क्या है समझ नहीं आ रही, उसने व्लॉगिंग की है ऑन रोड किया या ऑफ रोड किया है कुछ समझ नहीं आ रहा। और घर से व्लॉगिंग पे आए हो तो कम से कम गाड़ी में तेल तो डालो, 4x4 लगाने की हिम्मत तो रहेगी आपके अंदर। तो क्या उसको क्या गाड़ी में तेल नहीं है क्या? बोल तो ऐसा ना मेरी गाड़ी में तेल नहीं, तो यहाँ से यार तो चलते हैं अभी। और हमारे बीच जो आपको पता है कि आरिश साहब भी बैठे हैं, उनका फोन आ गया तो कहा कि अभी जो है अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा शिकारगाह में खाना खा के जाएंगे, क्योंकि हमारे भाई को हमेशा खाने की हमेशा पड़ी है, हमेशा टेंशन रहती है। कमजोर बड़े हैं ना, मैं आगे दिखाऊंगा आप, अभी आपने उनको अच्छे से देखा नहीं होगा आरिश भाई को, एक्चुअली वो ना बहुत कमजोर टाइप के इंसान है तो उनको भूख बहुत जल्दी लग जाती है, समझ रहा हूँ। हमें उनकी सेहत का और उनकी जो बॉडी है एक्चुअली वो ना गेनिंग कर रहे हैं, गेनिंग तो उसी का जरूर, और उनको बहुत जरूरत है, नहीं तो वो कमजोरी आ सकती है उनको बहुत ज्यादा। और वो आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्दी मिस्टर जम्मू के लिए आप देखोगे वो कम्पीट करेंगे एज अ क्लासिक फिजिक में। मैं आपको अभी उनकी बॉडी का भी रिव्यू करूंगा, बॉडी भी और उनकी बॉडी भी उनकी रिव्यू करूंगा मैं, और वो करूंगा अनबॉक्स टाइप करूंगा उनकी बॉडी। बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग के अंदर उस बॉडी को देखने के बाद, उन सारों का जवाब मैं और शेख साहब दोनों हम देंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में डाल देना आप बिल्कुल, कमेंट करके जरूर बताना जो हम आपको बंदा दिखाने वाले हैं ना, क्योंकि यार उसको आप कहीं भी जाएगा उठेगा बैठेगा रोटी की टेंशन है उसको आपने, और क्या बोलते हैं अभी जब आप उसको देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगी कि सच में इसको रोटी की बहुत जरूरत है, बड़े कमजोर था यार डाउन हिल। तो गाइस सीन फिलहाल ये प्लान हो चुका है कि आरिश भाई को हमारे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है टैंक की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल शिकारगा, और वो ट्रैक भी हमें मिल नहीं रहा है जो पानी वाला ट्रैक है फिलहाल के लिए, तो अभी वो ढूंढना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल पहले खाना खाएंगे, पहले थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा टाइम लग जाए ऑफ रोड में, तो मसरूर भाई ने भी डिसाइड किया है तो पहले खाना खाते हैं, खाना पड़ेगा क्योंकि भूख बहुत लगी है। और सबसे बड़ी बात है हमारे साथ एक बंदा है, उसको कमजोरी आ चुकी है, अब उसको ग्लूकोज वाली हालत हो चुकी है, तो उसको कुछ ना कुछ खाना जरूरी था, लेकिन वो थोड़ा सा ना तड़पने लगा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिलहाल हमारे साथ जो फाइनेंसर था उसने हमारे टकाटक लाया कि टकाटक खाओ तब एनर्जी, हरामी हो बेटा। तो गाइस सीन ऐसा है अभी फिलहाल खाना वाना हो चुका है और पेट के अंदर बटर चिकन भी गया और अफगानी भी गया, तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं उस ट्रैक के लिए, वो ढूंढ रहे हैं, तो हमारे अदनान साहब ने बोला है कि आगे है वो ट्रैक, पता नहीं कहाँ पे ढूंढते हैं। तो फिलहाल मौसम भी थोड़ा सा खराब हो चुका है, ये देखो ऊपर बादल देख रहे हो यार, बहुत अजीब से बादल हो चुके हैं। इसी की तो मैं भी बात कर रहा था, जहाँ ये ले रहे हैं उसी की सही ले रहे हैं, सही तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम तो, लेकिन क्योंकि आता रहता है ना कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो अभी सीन ये है कि मौसम खराब है और मुझे बस एक ही डर है कि अगर बारिश हुई और किसी गाड़ी फंसी तो यार विंच नहीं है यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गाड़ी में विंच इंस्टॉल कर लूँ, बट एक नॉर्मल यू शुड इंस्टॉल तो, बट एक नॉर्मल जो विंच है वो मतलब यार कितने में पड़ेगा आपके हिसाब से? इसका नॉलेज नहीं है मेरे, देखो एक 900 हॉर्स पावर का आता है, सॉरी 9000 हॉर्स पावर का आता है एक, वो बहुत गाड़ियों में इंस्टॉल्ड है, बट मुझे वो ज़्यादा कामकारी लगता है क्योंकि उसे नॉर्मल कोई गाड़ी खींच सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 13000 का होगा ना तो आप बस भी खींच सकते हो उसके साथ, बस हाँ बस मतलब स्कूल बस हो गई, स्कूल आप कुछ भी खींच सकते हो, आप सोचो क्या पावरफुल होगा वो। तो मैं तो वही प्लान कर रहा हूँ अभी लगाने का, फिलहाल एक गाड़ी में लगा हुआ है मैंने जम्मू में देखा है। ऐसा है कि आप मुझे बताओ कि सिर्फ थार में इंस्टॉल होता है? नहीं आप किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दम भी तो चाहिए। अगर आप 13000 HP का विंच इंस्टॉल कर रहे हो तो जब वो खींचेगी गाड़ी पावर होनी चाहिए ना उसमें, अब आप जाके लगाओगे ऑल्टो में तो वो थोड़ा चले। सर क्या बात कर रहे हो आप, ऑल्टो पहाड़ों की रानी है बिल्कुल, आपने वो रील नहीं देखी क्या? कौन सी? ये देखो ऑल्टो भी सामने से आगे देख, जहाँ पे वो स्कॉर्पियो फंस जाती है और ऑल्टो आती है तो बिल्कुल आराम से चढ़ती है, वो तो हैवी ड्राइवर होगा ना फिर सामी जैसा। हाँ तो फिलहाल देखते हैं यार, चलते हैं आगे, कहाँ पे ले जा रहा है कुछ समझ नहीं आती है। फाइनली गाइज ले आया है हमें अदनान सामी उस रूट पे, और अब इसको काली मच गई, क्या हो गया भाई, बटर चिकन ज्यादा खाया है, ज्यादा खाया बटर चिकन?
मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति, कड़ा चिकन, अफगानी चिकन। तो गाइस बहुत मुश्किलों के बाद हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे ट्रैक पे जिसका हमको बहुत बेसब्री से बहुत बेसब्री से इंतजार था। और अब आगे चेक कीजिए ये फील जो है ना शेख साहब, बिल्कुल इस फील के ही पैसे हैं। पैसे हैं बिल्कुल, पर पैसे तो कोई दे नहीं रहा, इंशाल्लाह पैसा ही पैसा होगा। ये अब आ चुके हैं असल ऑफ रोड में गाइस। तो ओ यार गोप्रो उसको पकड़ाना था ना, शिट। तो ये ऊपर से लोग भी हमें देख रहे हैं कि ये कहां चल पड़ी है, तीन थारे। लेकिन शेख साहब मुझे नहीं लगता कि यहां पे कुछ पानी वाला है, 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 आगे हमारी बारी आ चुकी है, दो गाड़ियां तो निकल चुकी हैं। अब देखते हैं यार, फिलहाल तो ये नॉर्मल ही लग रहा है मुझे, यहाँ से कैसे निकलेगी। तो बाप है बाप, सबका बाप। अरे कहना क्या चाहते हो,